नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका लाइव। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको दिल्ली पैरेलल नहर जो डाहर फ्लाईओवर है वहां से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अभी अभी एक ओवरलोड जो ट्रॉली भरी हुई थी पराली की वो पलट गई है। ट्रैक्टर भी आप देख पा रहे हैं कि ट्रैक्टर भी उसके भी पीछे के जो दोनों पहिए हैं वो उठ चुके हैं और जिसकी वजह से बड़ा हादसा होते होते, जी हां, बड़ा हादसा होते होते टला है। इसके पलटने से बड़ी मुश्किल से जो बाइक सवार थे कई लोग, 6 से 7 लोग जो हैं बचे हैं और इसकी वजह से लंबा जो जाम है ट्रैफिक आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ लंबा जाम लग चुका है। बीचों बीच जो सिवा बाईपास के पास जो नजदीक आप, मैं एक बार तस्वीरें दिखा देता हूं, ये देख पा रहे कि यहां से लेकर के बिंझल जो नहर है वहां तक जो लंबा जाम है वो लग चुका है दोनों तरफ। जी हां, दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं, वो लगी हुई हैं। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो 2 मोटरसाइकिल पर 6 लोग सवार थे इसके पलटते ही भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई। और जैसा प्राप्त जानकारी के अनुसार बता दें कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ से ये लोग आते हैं और पराली है जो यहाँ से खरीद करके इसको श्यामली लेकर जा रहे थे। और इसी दौरान हालांकि रास्ता भी खराब है, नंबर एक वजह तो ये रही इसके पलटने की और दूसरी वजह जो है ओवरलोड थी, बैलेंस खो चुकी थी ये ट्राली और इसी के चलते संतुलन बिगड़ने से ये ट्राली बीच रास्ते में पलट गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जो यहां से राहगीर थे वो अपनी जो है भाग करके उन्होंने अपनी जान बचाई है, कोई हताहत नहीं हुआ। ये फिर से मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूं कि करीब 3 किलोमीटर के आसपास जो है लंबा जाम लग चुका है। और ये तो थोड़ा सा रोशनी है कि इसकी वजह से मूवमेंट है, अगर अंधेरा होता तो इस वक्त और लंबा जाम लग सकता था।